बाल बच्चे घर की सुख शांति के लिए तो आवश्यक है ही, किंतु साथ ही साथ माता पिता या पति पत्नी के लिए भी धन दौलत है। दिन रात माता पिता बच्चों के लालन पोषण में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि उनको इधर उधर की बातों को सोचने समझने का समय ही नहीं मिलता है। सुबह से शाम तक उनके कपड़े साफ सुथरे करना, उनका खान पान, वेशभूषा, चाल चलन, सूरत शक्ल की देख रेख आदि ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं कि समय बीतते पता ही नहीं चल पाता। पैरा बच्चों को भगवान का अवतार माना जाता है, क्योंकि वे ऊंच नीच, शत्रु मित्र, छोटे बड़े, रस्म रिवाज आदि का विचार न करके सबसे मेल मिलाप रखते हैं। उनके आचार व्यवहार में लाभ हानि, रीति रिवाज, हिंदू मुसलमान आदि छोटी मोटी बातों के लिए स्थान ही नहीं होता। वे सचमुच ही मानव जाति के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं। ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं, उनकी मांगे भी बढ़ती जाती है, और थोड़ी सी बात के पीछे वह बिगड़ जाते हैं, तो घर का सारा सामान तीतर बीतर कर देते हैं। उनको लाभ हानि, उचित अनुचित का कोई ज्ञान ही नहीं होता। अतः यह आवश्यक है कि बच्चों को प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए जिससे कि वे अपने भविष्य के बारे में सचेष्ट हों। उनके बारे में टाल मटोल करना उचित न होगा। बचपन से ही उनके आचार व्यवहार, चाल चलन, हित अहित, अध्ययन अध्यापन का पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि बच्चों को बचपन से ही उचित अनुचित, लाभ हानि, हिंसा अहिंसा, शुभ अशुभ का समुचित आभास करा दिया जाए, तो वे आप से आप दिन पर दिन ज्यादा से ज्यादा अनुशासित होते जाएंगे। ज्यों ज्यों बच्चे बड़े होते हैं, उनके आचार विचार भी बदलते जाते हैं। उनके विचारों में कुछ न कुछ परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। एक के बाद एक कोई न कोई समस्या उनके सामने दिन प्रतिदिन उपस्थित होती है। यदि प्रारंभ से ही उनमें दृढ़ विश्वास पैदा किया जाए,
तो एकाएक समस्याओं के आने से वे न घबराकर उन पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर कठिन से कठिन समस्याओं का शांतिपूर्ण हल निकाल सकेंगे। यदि कठिन से कठिन या सारी की सारी समस्याएं हल करनी हो तो कोई न कोई रास्ता निकल आता है। पैरा, बाल बच्चे घर की सुख शांति के लिए तो आवश्यक हैं ही, किंतु साथ ही साथ माता पिता या पति पत्नी के लिए भी धन दौलत है। दिन रात माता पिता बच्चों के लालन पोषण में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि उनको इधर उधर की बातों को सोचने समझने का समय ही नहीं मिलता है। सुबह से शाम तक उनके कपड़े साफ सुथरे करना, उनका खान पान, वेशभूषा, चाल चलन, सूरत शक्ल की देख रेख आदि ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं कि समय बीतते पता ही नहीं चल पाता। पैरा, बच्चों को भगवान का अवतार माना जाता है क्योंकि वे ऊंच नीच, शत्रु मित्र, छोटे बड़े रस्म रिवाज आदि का विचार न करके सबसे मेल मिलाप रखते हैं। उनके आचार विचार में लाभ हानि, रीति रिवाज, हिंदू मुसलमान आदि छोटी मोटी बातों के लिए स्थान ही नहीं होता। वे सचमुच ही मानव जाति के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं। ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं उनकी मांगें भी बढ़ती जाती है और थोड़ी सी बात के पीछे वह बिगड़ जाते हैं, तो घर का सारा सामान तीतर बीतर कर देते हैं। उनको लाभ हानि, उचित अनुचित का कोई ज्ञान ही नहीं होता। अतः आवश्यक है कि बच्चों को प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए जिससे कि वे अपने भविष्य के बारे में सचेष्ट हों। उनके बारे में टाल मटोल करना उचित न होगा। बचपन से ही उनके आचार व्यवहार, चाल चलन, हित अहित, अध्ययन अध्यापन का पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि बच्चों को बचपन से ही उचित अनुचित, लाभ हानि, हिंसा अहिंसा, शुभ अशुभ का समुचित आभास करा दिया जाए तो वे आप से आप दिन पर दिन ज्यादा से ज्यादा अनुशासित होते जाएंगे। ज्यों ज्यों बच्चे बड़े होते हैं उनके आचार विचार भी बदलते जाते हैं। उनके विचारों में कुछ न कुछ परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। एक के बाद एक कोई न कोई समस्या उनके सामने दिन प्रतिदिन उपस्थित होती है। यदि प्रारंभ से ही उनमें दृढ़ विश्वास पैदा किया जाए तो एकाएक समस्याओं के आने से वे न घबरा कर उन पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और कंधे से
कंधा मिलाकर कठिन से कठिन समस्याओं का शांतिपूर्ण हल निकाल सकेंगे। यदि कठिन से कठिन या सारी की सारी समस्याएं हल करनी हो तो कोई न कोई रास्ता निकल आता है।